Mr. Butter Rockstar Baby Love Tu kinni sohni lagdi hai paan ke kaliyan kaliyan गाइज आज के वीडियो में आपको एक DIY दिखाने वाली हूँ जो कि आजकल बहुत चल रहे हैं एंड फेस्टिव सीजन आने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको कैरी करना चाहिए एंड आपको खुद बनाना चाहिए वो एंड बहुत ही सस्ते में एंड बहुत अच्छा लुक आएगा. तो इस DIY को पूरा देखिए, पूरा एंड तक देखिए, देन लास्ट में मैं आपको लुक्स भी दिखाऊंगी उसमें डिफरेंट लुक्स आप कैसे कैरी कर सकते हैं. सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है. एंड इसको आप डिफरेंट तरीके से कैरी कर सकते हैं किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी आप किसी भी पार्टी के लिए इसको कैरी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज आज के वीडियो में आपको ये फ्रंट स्लीव ड्रेस बनाने सिखाऊंगी और ये मेरा DIY है. आप कोई भी पुरानी साड़ी अपनी ले लीजिए, अगर वो आप यूज़ नहीं करते तो उसका बना लीजिए. ये मेरी ब्लैक साड़ी थी तो मैंने इसी का ही ये बनाया है. सो इसमें गाइज हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, इसकी चोली एंड फ्रंट स्लीव बॉटम का एंड स्लीव्स बनाएंगे. तो चलिए हम चोली बनाना सीखते हैं. तो गाइस चोली के लिए मेरे पास ये टॉप था एंड ये मेरा पुराना टॉप था तो मैंने इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ. तो मैं इसी पे ही नेट यूज़ करूँगी जो मेरे साड़ी का कपड़ा है. तो मैं इसी को मार्क करूँगी. आप अच्छे से अपना कोई भी टॉप हो उसका मार्क कर लीजिए टॉप अपर पार्ट के बनाने के लिए चोली के लिए. तो आप अपने टॉप का मेजरमेंट ले सकते हैं एंड ईजिली उसको बना सकते हैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग. तो आप देखिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ अच्छे से. एंड गाइस स्लीव्स के लिए प्लीज़ मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट करिए, इसमें मैंने आपको कोल्ड शोल्डर स्लीव्स बनाना सिखाया था. तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं कोल्ड शोल्डर स्लीव्स के लिए, या तो आप हाफ स्लीव भी रख सकते हैं. एंड आप ये देख सकते हैं इसमें मैं मार्क कर रही हूँ इसका. गाइज मेरा पुराना टॉप था, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ. तो आप इसको अच्छे से लुक दे सकते हैं, फ्रंट स्लिट भी बना सकते हैं आप किसी पुराने टॉप का. एंड ये साड़ी का भी यूज़ हो जा रहा है मेरा इसमें. तो मैं साड़ी पे इसमें मार्क कर रही हूँ, अच्छे से मार्क कर लीजिए एंड देन दोनों को स्टिच कर दीजिए एंड आपका अपर पार्ट रेडी हो जाएगा. गाइज बहुत ईजी है इसको बनाना, बस आप अपना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ले लीजिए, आपने टॉप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए. देन ये फ्रंट बॉटम पार्ट पे बनाने जा रही हूँ गाइज. तो आपको ऐसे चुन्नटें डालनी है गाइज, चुन्नियों पे जो भी आप साड़ी या चुन्नी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे चुन्नटें डालिए गाइज. फ्रंट में जो हमारा चुन्नटें ज़्यादा हैवी होती हैं, बैक पे आप कम रख सकते हैं एंड मैंने कम रखा है बैक पे. सो आप पीछे भी चुन्नटे ऐसे डाल सकते हैं. फ्रंट पे तो गाइज आपको चाहिए ये चुन्नटे, तो आप ऐसे मार्क कर लीजिए और इसको स्टिच कर लीजिए. पहले टॉप में स्टिच करने से पहले इसको पहले जो चुन्नटे हैं उसको स्टिच कर लीजिए, देन ताकि वो अच्छे से आपका जो चोली और फ्रंट स्लीट है दोनों अच्छे से आ जाए लुक. तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको पहले स्टिच कर लिया है अच्छे से एंड ये गाइज फ्रंट लुक है. तो मैं फ्रंट लुक पे ज़्यादा चुन्नटे डालूंगी और बैक पे गाइज मैं एक दो ही चुन्नटे डाला है. तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा बैक का लुक है एंड इसमें आप इस दोनों को अटैच करके अच्छे से लुक क्रिएट कर सकते हैं गाइज. फ्रंट स्लीट में आपको दो पार्ट रखने हैं, मीन्स फ्रंट तो कट रहेगा और उसको आप डबल स्टिच कर लीजिए एंड या तो आप पीको कर लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए. एंड आप ये देख सकते हैं स्टिच करने के बाद बहुत प्यारा लगेगा, आप डेफिनेटली ट्राई करिए फ्रंट स्लीट. एंड ये मेरा जस्ट 1 घंटे में रेडी हो गया था, 1 घंटे से भी कम. सो अच्छा लग रहा है ना गाइज, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड होप यू गाइज इंजॉयड. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.